भाजपा छोड़ चुके कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुबह वो बेंगलुरु में कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कर्नाटक में भाजपा के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सोमवार सुबह बेंगलुरु में कांग्रेस में शामिल हो गए। टिकट न मिलने से दो दिन पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। शेट्टार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। शेट्टार ने कहा, मैंने कल भाजपा से इस्तीफा दिया था और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूँ। मैं पूरे मन से कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। कई लोग इस बात से हैरान है कि नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। भाजपा ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की, ना ही मुझे समझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ने कहा कि शेट्टार के आने के बाद कांग्रेस राज्य में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। जैसा व्यवहार भाजपा ने उनके साथ किया, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भाजपा ने उनके समुदाय और उनके समर्थकों का अपमान किया है। सिद्धार्थ मैया ने कहा कि आरएसएस से होने के बावजूद शेट्टार एक सेकुलर व्यक्ति हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शेट्टार के आने से पार्टी मजबूत होगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।